दोस्तों बॉली ट्रेंड में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की पॉपुलैरिटी का तो आपको पता ही है, उनके फैंस की संख्या करोड़ों में है। लेकिन आज हम आपको सलमान की सबसे हिट और पॉपुलर फिल्मों में से एक तेरे नाम के बारे में एक बात बताने जा रहे हैं। इसी फिल्म में एक लड़की थी जिसने पागल लड़की का किरदार निभाया था। आपको याद हो तो बता दें कि इसी लड़की के लिए इस फिल्म में सलमान रेलवे स्टेशन पर गुंडों से भी भीड़ जाते हैं। तो आपको बता दें कि ये लड़की वास्तव में पागल नहीं है, बल्कि इस लड़की का नाम रोशनी चौधरी है और वे तमिल फिल्मों में काफी काम भी कर चुकी हैं। रोशनी ने साल 1999 सेकंड लेकर 2004 तक तो काफी फिल्मों में काम किया, जैसे कि तेरे नाम और खुशी। मगर अचंभव वाली बात ये थी कि रोशनी साल 2004 के बाद से वो फिल्मी पर्दे से गायब ही हो गई। ऐसा लगा जैसे कि मानो रोशनी की जिंदगी में अंधेरा छा गया हो। मगर आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक्टिंग छोड़ने के बाद रोशनी ने फिल्म निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। साल 2010 में एक शॉर्ट फिल्म से रोशनी ने शुरुआत की थी और 17 मिनट की शॉर्ट फिल्म ऑरेंज ब्लॉसम बनाई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें लॉस वेगास फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर एस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी रोशनी साल 2011 के बाद से कहीं गायब हो गई हैं। वे कहा हैं किसी को कुछ नहीं मालूम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।